नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को IBPS प्रीलिम्स 2017 का एडमिट कार्ड जो आज ही आउट हुआ है उसके बारे में बताएंगे कि वो उसको कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप लोग अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे। अपने कंप्यूटर को ओपन करके उसमें इंटरनेट ब्राउज़र उसको जाके खोलेंगे। खोलने के बाद आप गूगल पेज में जाएंगे। गूगल पेज में जाकर IBPS टाइप करेंगे। टाइप करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका जो पहला वेबसाइट है www.ibps.in उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्लिंक करता हुआ क्लिक हियर टू डाउनलोड योर प्रीमली ऑनलाइन एग्जाम कॉल लेटर फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर क्लरिकल ग्रेड 7 आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। बाय द वे, अगर ये ब्लिंक करता हुआ ऑप्शन चला जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में CWE क्लरिकल ऑप्शन मिलेगा, जो ये दिख रहा है स्क्रीन पर, हम दिखा रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट पेज खुल जाएगा CWE क्लरिकल ग्रेड का, जिसके साम जो आपको तीन ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे ब्लू कलर का। फर्स्ट ऑप्शन है कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर क्लरिकल ग्रेड 7, सेकेंड है कॉमन रिक्वायरमेंट कॉमन रिटर्निंग एग्जामिनेशन फॉर क्लरिकल ग्रेड 6, एंड थर्ड ऑप्शन दिस वन। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर क्लरिकल ग्रेड 7 पर क्लिक करना है। जब उस पर क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज जब ओपन होगा उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक हियर टू डाउनलोड योर प्रीमली ऑनलाइन एग्जाम कॉल लेटर फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर क्लरिकल ग्रेड 7 CRP क्लर्क 7, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो प्रीमली एग्जाम कॉल लेटर का होगा। इसमें सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट डेट्स मिलेगा। जो कॉल लेटर डाउनलोड करने का जो स्टार्टिंग डेट होगा वो होगा 17 नवंबर 2017, एंड क्लोजर ऑफ कॉल लेटर डाउनलोड करने का अंतिम जो डेट है वो आपका 10 दिसंबर 2017 है। फिर उसके बाद राइट साइड में आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल दिखेगा। लॉगिन क्रेडेंशियल में आपको दो ऑप्शन दिखेगा, हिंदी और इंग्लिश। ये जो हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन दिख रहा है, आपको जिस ऑप्शन में कॉल लेटर डाउनलोड करना है आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ हम इंग्लिश क्लिक किए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपको इसमें डालना है। आप लोग जब IBPS क्लर्क का फॉर्म सबमिट किए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उस समय आपके मोबाइल में एक मैसेज आया होगा। वही दोनों जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पासवर्ड है उसको टाइप करना है। उसके बाद नीचे दिया हुआ एक आइकन है, सेम आइकन को आपको टाइप करना है जो यहाँ हम टाइप कर रहे हैं, दिख रहा होगा। फिर उसके बाद लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन करते ही आपका जो कॉल लेटर है वो आ जाएगा, उसको प्रिंट आउट निकालेंगे। हमारे इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।